दोस्तों, मैं एक दूसरा सीरीज का बोर्ड बनाने जा रहा हूँ। ये बहुत सेफ आइडिया लगा मुझे, इसलिए मैं ये बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसमें ये दो जो बेल्ट के लिए स्विच आती है, रिंग बेल्ट के लिए, वही यूज़ किया है। तो ये प्लग यूज़ किया है, ये दो कनेक्टर यूज़ किए हैं, और ये बल्ब के लिए मैंने यूज़ किया है। तो जब भी टेस्ट करना है तो इसमें न्यूट्रल और फेस दोनों डाल देंगे। अगर दोनों यहाँ से दबाएंगे तो चालू होगा, छोड़ देंगे तो बंद हो जाएगा। इसलिए पूरा हैंड फ्री और सेफ मुझे लगा, क्योंकि गलती से वायर को टच कर दिया तो शॉर्ट लगने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए दोनों साथ में लगाएंगे, चालू हो जाएगा। और ये दो मैंने यहाँ बनाए हैं, यहाँ ये दो बनाना प्लग लगा देंगे। एक यहाँ लगा दिया और दूसरा यहाँ पे लगा दिया, और ये साइड ये दो एलिगेटर क्लैंप लगा दिए मैंने, जो पहले कहीं से यहाँ लगा देने के, यहाँ लगा दिया ये, दूसरा यहाँ लगा दिया। ये तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ लगा दिया, और यहाँ ये बल्ब लगा दिया, ये बल्ब यहाँ लगा दिया, और ये दो स्विच प्रेस करेंगे तो ये बल्ब ऑन होगा। तो छोड़ देंगे तो पूरा करंट उसका ऑफ हो जाएगा, न्यूट्रल और फेस दोनों कट हो जाएंगे। और अगर कोई बड़ा चीज़ लाइक सोल्डर है, ऐसा कुछ चेक करना है उसके अंदर, तो उसके लिए मैंने ये दूसरा आइडिया लगाया है। तो ये सोल्डरिंग प्लग है, यहाँ लगा दिया मैंने। तो अभी ये दो दबाएंगे यहाँ से, तो पता चलेगा सोल्डरिंग प्लग चालू है या बंद है, सोल्डरिंग काम कर रहा है नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने सेपरेट बनाया। इससे भी दो ये ट्वीज़र वाले यहाँ लगाए, ऐसे लगा सकते हैं जो यहाँ लगेंगे बनाना प्लग। तो अभी उसका पूरा वायरिंग करूँगा, उसके बाद ये करूँ, उसके बाद मैं आगे का वीडियो बनाऊँगा। इस तरह से मैंने बॉटम में बनाया है, तो उसका लकड़ी का बॉक्स बनाऊँगा, और उसके बाद मैं टेस्टिंग का वीडियो उसके बाद में बनाऊँगा। मुझे गूगल में किसी आइडिया से मुझे ये पता चला कि ये करने से बहुत से, उसने एक ही स्विच लगाया था, मैंने दो लगा दिए, जिससे अगर गलती से न्यूट्रल कट होता है और फेस कट नहीं होता तो करंट लगने का बहुत भय खतरा था। इसलिए मैंने ये दो स्विच वाला बना दिया, जैसे दो दबा दबा दें और छोड़ दें तो ऑटोमेटिक पावर कट ऑफ हो जाएगा। ये सिर्फ आइडिया के लिए बनाया, किसी को काम आ सकता है देखकर मेरा आइडिया। तो अभी मैं उसका पूरा वायरिंग करूँगा और उसके बाद मैं आगे का वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों, मैंने पूरा वायरिंग कर दिया है और उसको चेक भी कर दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर वर्क करता है। ये दो न्यूट्रल फेस के वायर हैं यहाँ से जो आते हैं, वो ये दो स्विच में मैंने नीचे लगा दिया है, ये न्यूट्रल लगा दिया है, यहाँ फेस लगा दिया है। वो पुश बटन वाला स्विच है, अगर छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिक उसका करंट कट हो जाता है। रिंग बेल वाला स्विच है उसका, और ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल का वायर है जो काला वाला है, ये बल्ब का होल्डर है। ये यहाँ पर बल्ब के होल्डर में मैंने एक न्यूट्रल दे दिया है यहाँ से, यहाँ जो कट हो जाता है, अभी कट है, दबाएंगे तो उसको बल्ब को न्यूट्रल यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी के सारे ये पॉजिटिव वायर है, प्लस वाला वायर है जो स्विच के ऊपर के भाग में है, जो यहाँ से प्लग में यहाँ पर जाएगा, और यहाँ से ये ऊपर जाएगा दूसरे प्लग, दूसरे जो बनाना एडाप्टर का जो लगाया उस पे जाएगा, और तो दूसरा वाला यहाँ जाए। बिल्कुल सिंपल है, आप देख सकते हैं ये जो यहाँ कट होता है यहाँ कट करना है। अगर यहाँ दो करेंगे, कुछ वायर लगाएंगे तो यहाँ प्लस मिलेगा और ये चालू हो जाएगा न्यूट्रल से, और यहाँ दो कुछ भी लगाएंगे, यहाँ पर दो ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ ये बल्ब चालू हो जाएगा बस। तो आप ये पिक्चर में दिखाया है इस तरह से फॉलो करके ये बना सकते हैं, टोटली सेफ है, क्योंकि स्विच छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिक उसका न्यूट्रल और फेस कट हो जाता है। तो
तो पहले जो लगाना है वो आप पहले लगा देंगे वहाँ पर ऐसे एक ट्विजर के साथ, ऐसे जो है उससे लगा देने का, फिर दो स्विच दबाने का, जिससे कोई ख़तरा नहीं है और कोई शॉर्ट सर्किट का कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगा उसके हिसाब से। तो ये तो अभी सक्सेस है मेरा पूरा। उसके बाद मैं उसका बॉक्स बना के उसका बाकी का वीडियो में बता दूंगा आपको मैंने कैसे किया है। ये उसका पीछे का लुक है, जहाँ मैंने वायर दे के प्लस माइनस के वायर दे के मैंने चेक कर लिया, और यहाँ ये इस तरह से है, ये देख सकते हैं। ये दो स्विच है, जो जो बेल में जो यूज़ करते हैं वही है, घर के बाहर जो बेल डोर बेल है उसमें यूज़ करते हैं वही है। ये दो ज्वाइंट करेंगे तो आपको सीरीज मिलेगा, यहाँ भी कुछ भी डालेंगे तो आपको सीरीज मिलेगा। तो इस तरह से ये पूरा वायरिंग है, तो आप उसको देख कर कर देंगे। मैं कागज़ पे भी बना दूंगा कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल है, कोई झंझट वाला काम नहीं है। तो अभी मैं ये वीडियो यहाँ रोकता हूँ, उसके बाद पूरा बॉक्स सब बना के मैं आगे का वीडियो मैं बनाऊँगा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने पूरा डायग्राम बता दिया है। ये दो स्विच है यहाँ पर, ये दो स्विच है, यहाँ से न्यूट्रल का वायर है वो सीधा ये बल्ब में जाता है जो मैंने यहाँ दिखाया है, और यहाँ सप्लाई का वायर दिखाया है, ये सप्लाई का वायर है, सप्लाई का वायर यहाँ, एक वायर यहाँ पर है, और ये बड़ा प्लग है 5 पिन वाला, इसका वायर ऐसे होके यहाँ जाता है, जो ऐसे होके सीधा यहाँ आता है जो आप देख सकते हैं, और जो यहाँ से जो स्विच में जाता है जो मैंने बताया है, स्विच में से सीधा बनाना प्लग में जाता है, बिल्कुल सिंपल है। ये उसका पूरा डायग्राम है, कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेट नहीं, सिर्फ न्यूट्रल एक ही देना है, न्यूट्रल और कहीं नहीं देना। तो इस तरह से आप बना सकते हैं पुश बटन करके। दोस्तों ये मैंने बना दिया है पूरा, ये अभी मैं ये ट्यूबलाइट है उस पर उसका टेस्ट करता हूँ। देखो एक स्विच लगाएंगे कुछ नहीं होगा, ये दबाएंगे कुछ नहीं, दो साथ में दबाएंगे तो ये लाइट चालू हो जाएगी। देखो इस तरह से ये क्लिप लगा के आप लगा सकते हैं, हाथ लगाओ छोड़ दो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई करंट लगने का प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे सीरीज में करंट लगने का बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ दो स्विच दबाते हैं तब दो हाथ बिजी रहते हैं, करंट लगने का कोई संभव है ही नहीं। अभी स्विच दबाएंगे तो देखो ये चालू हो गया। अभी सोल्डर सोल्डर का भी मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आपके मन में ये सवाल होता होगा कि ये सीरीज का है या किसके लिए है, लेकिन ये भी मैंने सीरीज के लिए ही लगाया है, ऐसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने उसे क्यों लगाया है कि जैसे ये सोल्डरिंग का कि सोल्डरिंग है उसका ये वायर है जिसमें ग्राउंड वाला पिन आता है, तो उसमें ये पिन लगाओ ये करो वो करो, बहुत बहुत ये सारा लगाने में बहुत हेडेक वाला काम करता। तो अगर कोई ग्राइंडर है या ऐसे जिसमें 5 पिन 3 पिन है और बड़ा पिन वाला है तो उसको या डायरेक्ट ही लगा देना है, इसलिए मैंने उसको बनाया है। और ये देखो ये उसको चेक करना है, तो मैं ये इसका ये प्लग है वो यहाँ मैंने ये डाल दिया, यहाँ पर ये प्लग यहाँ डाल दिया। अभी मैं उसको सोल्डरिंग चालू है या बंद है उसका मैं चेक करूंगा। अभी तो देखो कुछ भी नहीं दिखाएगा, अभी ये मैं दो दिखाऊँ दबाऊंगा बताएगा। देखो ये सोल्डरिंग कंप्लीट, उसका कॉयल कंप्लीट वर्क कर रहा है, इसलिए कोई भी चीज़ ऐसी है उसका प्लग डायरेक्ट लगा सकते हैं, जैसे हीटर है और कुछ भी है, इसका प्लग डायरेक्ट यहाँ लगा के चेक करके ये दो बटन दबाते हैं तो पता चल जाता है कि चालू है या बंद है, इसलिए मैंने ये 5 पिन वाला प्लग यहाँ लगाया है जिससे सारा काम बहुत इजी हो जाए, क्योंकि अगर 2 पिन वाला यहाँ लगाते हैं तो ये प्लग उसमें नहीं जाएगा, इसलिए मैंने ये 5 पिन वाला लगाया है।